नमस्कार मित्रों, इकोसिंक एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा पिछला और सबसे पहला वीडियो जो हमने बनाया था, जिसमें हमने बताया था किस प्रकार हमारी आइस बेरी और ग्रीन बेरी पपीता वैरायटी की आपूर्ति में कमी का फ़ायदा उठाते हुए कई लोग इस वैरायटी के नकली बीज और पौधे बेच रहे हैं। इस धोखाधड़ी के प्रति आप लोगों को जागरूक करने के लिए वह वीडियो बनाया गया था। यह वीडियो देखने के पहले वह वीडियो अवश्य देखें, जिसकी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वीडियो का टाइटल है आइसबेरी ग्रीनबेरी पपीता के नकली बीजों का सच। आइए इसी श्रृंखला में आज हम आपको हमारे किसान से रूबरू करवाते हैं, जो अनेक वर्षों से आइसबेरी और ग्रीनबेरी के पौधे हमसे प्राप्त करके सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं, जिनका इंटरव्यू लिया है हमारे फील्ड ऑफिसर अखिलेश पटेल ने। भाइयों, मैं अखिलेश पटेल, इकोसिंक एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड से। मैं जिलाधार ग्राम अजंदा मध्य प्रदेश, अभिनव भाई पाटीदार जी के यहाँ फील्ड विजिट के लिए आया हूँ। इन्होंने पिछले सालों में आइसबेरी भी लगाया है, और जब से हमारे पास आइसबेरी नहीं था तो इन्होंने ग्रीनबेरी लगाया है 2-3 सालों से। तो इनके अनुभव जानते हैं, इनको आइसबेरी कैसा लगा और आइसबेरी कैसा है, ग्रीनबेरी कैसा है, ताइवान जो भी है, इनका अनुभव इनसे जानते हैं। अभिषेक भाई, अभिनव जी पाटीदार। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अभिनव पाटीदार है, तहसील मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। मैंने 2013 में पपीता की प्लानिंग शुरू की थी। 2013 में मैंने ताइवान लगाया था, और उसी के नेक्स्ट ईयर 2014 में मेरी मुलाकात अखिलेश भाई पटेल से हुई। उन्होंने एक इकोसिंक कंपनी है, इकोसिंक प्राइवेट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, उनकी मुलाकात मेरे से हुई। उसके बाद में उन्होंने मुझे ग्रीन आइसबेरी के बारे में बताया। फिर मैं उनसे थोड़ा सा कन्वेंस हुआ, और हमने आधे आधे प्लांट किए, आधे ताइवान के और आधे आइसबेरी के। उस साल स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी दोनों पपीताओं की। बाकी जो ताइवान था वो फटाफट प्रोडक्शन दिया उसने, और फटाफट खेत खाली हुआ। आइसबेरी है वो काफ़ी लंबे समय तक चला। वैसे मैंने जब वापस खेत को खाली किया था, उस टाइम में मैंने कम से कम 50 किलो माल आइसबेरी पर था, और मैंने रोटावेटर कर दिया उसको, और ताइवान में भी माल था और रोटावेटर कर दिया, क्योंकि मैं 2 साल रहने के पक्ष में था नहीं रखने के। उसके नेक्स्ट ईयर फिर 2015 में फिर वापस हमने लगाया। नहीं तो वो साल में आपने उत्पादन कितना लिया? साल में उत्पादन आइसबेरी से मेरा उत्पादन कम से कम, उस पर माल तो स्टार्टिंग में कम से कम 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल माल लगा था। किसी कारणवश कुछ माल खराब हो गया, रेट ना मिलने के कारण सड़ गया, गल गया, नीचे गिर गया, और कुछ माल आखिरी में हमने रोटावेटर कर दिया। फिर भी मैंने 90 किलो से 1 क्विंटल तक उसमें उत्पादन लिया पर प्लांट। और ताइवान से भी मैंने कम से कम 70 किलो के करीब उत्पादन लिया था। बाकी ताइवान का पौधा जब लास्ट में मैंने रोटावेटर किया, उस टाइम में उसकी छतरी पूरी डिस्टर्ब थी, और आइसबेरी की जो छतरी थी वो आखिरी समय में भी बहुत बेटर थी, और उसको हम 18 महीने तक उसको चला सकते थे। और ताइवान में उस टाइम में रिंग वायरस आ गया था, तो उसको चलाना मुश्किल था। और आइसबेरी जब आप लगा रहे थे जी, तो जब आपने 2-3 साल लगाया जी, उसके बाद आपने ये ग्रीनबेरी लगाया है अभी 2 साल। बिल्कुल। तो ग्रीनबेरी क्यों लगाना पड़ा आपको, मतलब आइसबेरी क्यों नहीं लगा रहे हैं? एक्चुअली आइसबेरी के पौधे किसी कारणवश कंपनी से मिल नहीं रहे थे। उसकी किसान इकोसिंग कंपनी से वंचित ना रह जाए, इसी वजह से ये वापस फिर ग्रीनबेरी लेकर आए, और मैंने फिर ग्रीनबेरी पर भी अपना विश्वास बनाए रखा, और मैंने ग्रीनबेरी को भी लगाया। वो भी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन देने वाली किस्म है, और मैं पिछले 3-4 साल से लगा रहा हूँ। इस वर्ष भी मैंने लगाया था, पर किसी कारणवश क्लाइमेट का सूटेबल ना होना पपीता के कारण, और तो उसमें मोजेक आ गया, तो मुझे उसको रोटावेटर करना पड़ा। ताइवान भी था, ताइवान में भी यही कंडीशन बनी, इसलिए इस वजह से मुझे निकाला। ये पिछले 18 महीने का प्लांट है। प्लांट है कितने महीने का? 18 महीने हो गए। ये बस अब कुछ ही 15-20 दिन का मेहमान है, उसके बाद में ये फिर वापस निकल जाएगा। तो आपको ताइवान और ग्रीनबेरी और आइसबेरी तीनों वैरायटी आपने लगे,
ताइवान और आइसबेरी में आप थोड़ा सा अंतर बताएंगे सर? दोनों ही वेराइटियाँ बेहतर है, हम ताइवान को भी बुरा भला नहीं बोल सकते हैं क्योंकि किसान काफ़ी समय उससे भी जुड़ा है और वो भी अच्छा प्रोडक्शन और अच्छी किस्म देने वाली वेराइटी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आइसबेरी जो है उसमें एक टॉलरेंसी है वायरस के प्रति और बीमारियों के प्रति भी लड़ने के लिए क्षमता है, और प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो ताइवान से थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी ताइवान क्या है, अप्रैल तक प्रोडक्शन फटाफट निकाल के पौधा उसका ख़राब हो जाता है, और फ्रूट साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है आइसबेरी से, और आइसबेरी का फ्रूट साइज 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो तक है और मार्केट में डिमांड इसी साइज की है। उसके बाद में अप्रैल के महीने में जैसे ही ताइवान ख़त्म होता है उसके बाद में भी आइसबेरी जो पपीता है प्रोडक्शन देती रहती है, करीब वो दिसंबर तक प्रोडक्शन देती है, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप मार्केट में रेट देखेंगे तो मैंने तो कभी 12 रुपये 13 रुपये से कम देखा नहीं है। तो किसानों का पैसा जितना सीजन पे नहीं बनता है उतना ही पैसा वापस गैर सीजन में बन रहा है, तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी पपीता साबित हुई है आइसबेरी। ठीक है, और अभिनव भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप ताइवान भी लगाते हैं जी, और पास में ही आइसबेरी भी लगाते हैं, तो पता चलता है कि ताइवान पे पूरा वायरस आ गया और इसी की साइड में आइसबेरी लगा है, तो कैसा रहता है मतलब दोनों में अंतर रहता है कि इस पे नहीं है इस पे है या कुछ? 100% अगर उस वो वाली रो आइसबेरी की है, हाँ। ये वाली रो आपकी ताइवान की है, तो नया व्यक्ति भी अगर आके वहाँ पर जाके खड़े रहेगा तो वो भी एक बार तो नया किसान भी पूछेगा कि ये वाली रो और ये वाली रो में ऐसा डिफरेंस क्यों है। ठीक है, वो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि ये अलग वेराइटी है, ये अलग वेराइटी है। ठीक है, ठीक है। और आप आइसबेरी के पौधे जैसे कंपनी ने देना बंद किया जी, तो मार्केट में दूसरे लोग भी देते हैं, तो आपने उनसे क्यों नहीं लिए? मतलब अखिलेश पटेल दे या इको सिंह एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो अखिलेश भाई काम करते हैं उसमें वो दे, तो आप उनसे ही ले, उन्होंने ग्रीन बेरी दिया तो ग्रीन बेरी ले लिया आपने, तो अदर भी लोग देते हैं तो उनसे क्यों नहीं लिया आपने? एक्चुअली हमारे जो संपर्क में जितने भी लोग आए हैं एग्रोनॉमिस्ट वगैरह जो भी आए हैं, उन्होंने वहाँ से हमें पता चला है कि इको सिंह जो कंपनी है वो बीज किसी को प्रोवाइड नहीं करवाती है, उनकी एक अलग मोनोपाली है, वो खुद ही नर्सरी में अपना पौधा तैयार करवाती है और फिर वो किसानों तक सीधे संपर्क में आकर किसानों के खेतों में अवेलेबल करवाती है। तो जब इको सिंह कंपनी बीज कहीं पर प्रोवाइड करवा ही नहीं रही है तो पौधे का तो सवाल ही नहीं है। पर दूसरे लोग देते हैं, दूसरे लोगों ने लगाया भी है ना, तो क्या मतलब आप फिलहाल तक तो ऐसा बहुत अच्छा प्लाट हमें जो अदर लोगों ने दिया है देखने को मिला नहीं है कि हम विश्वास करें उन पर और वहां से भी पौधा लें। ओरिजिनल आइसबेरी है और अखिलेश भैया भी जो हैं अभी तक हमारे से बने हैं, बहुत अच्छा है, उन्होंने प्लांट दिया है अभी तक, आगामी समय में भी हम अपनी इको सिंह कंपनी से जुड़े रहें, जब तक इनके पौधे भी अच्छे रहेंगे किसान उनसे जुड़ा रहेगा। और जैसे आप हमारे कितने सालों से जुड़े हैं? पिछले मैं करीब 7 साल से तो जुड़ा हूँ, मुझे जब तक पता है 7 साल से तो मैं जुड़ा हूँ, तो 7 साल से मैं आपको प्लांट दे रहा हूँ, तो कभी ऐसा आपको लगा कि इस साल प्लांट में वेरिएशन या कुछ? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं, एक्सीलेंट, और मेरे प्लॉट हमेशा ही एक्सीलेंट रहे हैं, यहाँ काफी किसान विजिट पर भी आते हैं और बहुत सी कंपनियों के लोग भी यहाँ पर आते हैं देखने, वो काफी प्रभावित हैं वैरायटी से। नहीं तो जैसे बाजार में क्या किसान भाई दूसरे आइसबेरी जैसे कोई देता है तो वहाँ से भी लगा लिया है बहुत सारे लोगों ने, या कोई देता भी है तो उनको आप क्या राय देंगे कि वो लगाएं या नहीं लगाएं? मतलब आपका भी अनुभव शेयर करें, जैसे आपके रिश्तेदार या मित्र ने लगाया भी है कि यार मैं लगा रहा हूँ वहाँ से मिल रहा है, तो उनके साथ क्या ट्रेजडी हुई? देखो मैं सीधे सीधे तो यार ये नहीं बोलूँगा कि ना लगाएं, बाकी एक बार इको सिंह कंपनी जो प्लांट दे रही है उसको भी देखें और जो अदर लोग दे रहे हैं वो भी प्लांट को जाकर आप देखें, दोनों जगह विजिट करें। किसान खुद समझदार है, इतनी तो समझ है कि वो समझ जाएगा कि कहाँ से हमें पौधा लेना है, कहाँ से हमें पौधा नहीं लेना है और कहाँ से क्या मिल रहा है और कहाँ पर क्या मिल रहा है। वो तो पौधे की क्वालिटी बताएगी आपको, और पपीता को अगर उचित समय है देखने का तो आपको दीपावली के टाइम पर जाएं, क्योंकि उस टाइम पर फ्रूट की बहुत अच्छी सेटिंग रहती है, पौधा भरा भरा रहता है, उस टाइम में किसान आसानी इजीली देख पाएगा कि कौन सा प्लांट अच्छा है कौन सा प्लांट अच्छा नहीं है।
ठीक। आइसबेरी आपने लगभग 3 साल लगाया? 3 साल तक लगा और उसके बाद 3-4 साल ग्रीन बेरी लगा है। ठीक ठीक। और आपके नंबर सेव कर दीजिए किसान भाई, 8770877077। और इकोसिंक के साथ में आप जब जुड़े इकोसिंक एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, तो आपको कुछ मतलब जैसे विजिट वगैरह या मार्गदर्शन मिला कंपनी के द्वारा, या जुड़ने के साथ क्या अनुभव रहा आपका? भाई अखिलेश जी पटेल हैं, इनका मार्गदर्शन हमें प्रॉपर मिलता रहा। ये बहुत से लोग क्या करते हैं, पौधा देकर भूल जाते हैं, बाकी इनका मार्गदर्शन हमेशा मिला। हर 15-20 दिन में इन्होंने विजिट करी, हम ना भी बुलाएं तो भी ये खेत में आके भ्रमण करते हैं, उसके बाद में घर जाते हैं, उसके बाद फिर कॉल करते हैं कि मैं आज आया था, ये प्रॉब्लम है, अपने को ये देना है। बिल्कुल इनका सजेशन रहा और मार्गदर्शन रखा, हमने उनको भी फॉलो किया, कुछ हमारी इतने सालों की प्रैक्टिस पर भी निर्भर था और दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा, इसी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। बढ़िया उत्पादन रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अभिनव।